तो आज हम लोग करेंगे आरटीपी नवंबर 18। नाउ रिवीजन टेस्ट पेपर का मैं कोई खासियत बताता हूँ, राइट? हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग रिवीजन टेस्ट पेपर, इसका एक खासियत देखिए। जैसे कि मान लीजिए नवंबर 18 में किसी का एग्जाम है, तो इंस्टीट्यूट ये आरटीपी इशू करता है से 4 महीना पहले, से जुलाई, राइट? अब इसके क्वेश्चंस, मेरा एग्जाम है नवंबर में, इंस्टीट्यूट आरटीपी इशू किया जुलाई 18 में, इसमें जो भी 14, 15, 13 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये प्रोबेबल है कि ये नवंबर एग्जाम्स में आएंगे। पास्ट ऐसा देखा जा रहा है, इससे मई 19 में भी क्वेश्चन आ रहा है, इससे नवंबर 19 में भी क्वेश्चन आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसका मतलब जब मेरा एग्जाम, जैसे आप बच्चों का एग्जाम है मई 2020 में, तो मैं आरटीपी मई 2020 का कर रहा हूं। मैंने आरटीपी आपको नवंबर 19 का कराया, मैंने आपको आरटीपी मई 19 का कराया, आज मैं आरटीपी आपको नवंबर 18 का कराऊंगा। तो ये सारे रिवीजन टेस्ट पेपर आप देखेंगे इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग नवंबर 18 का जो आरटीपी है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। पहला क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग का है, राइट? रौनक लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉनिटर फॉर पीसीज। एक मॉनिटर बनाने के लिए पार्ट एम 4 चाहिए, इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर वन मॉनिटर 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एम इज रिक्वायर्ड। डिमांड दिया है मॉनिटर का, ईओक्यू का फॉर्मूला में जो ए होता है दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल नॉट ऑफ फिनिश गुड्स। तो मंथली डिमांड अगर 2000 मॉनिटर की है तो एनुअल डिमांड होगा 24,000। ये 24,000 डिमांड है मतलब प्रोडक्शन भी 24, तो इस 24 को प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को 96,000 रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हमारे को ये कन्वर्जन रेशियो नहीं दिया होता तो नॉर्मल यूसेज से अपने एनुअल कंजम्पशन निकाल लेते हैं। Is that fine? हाँ, तो सबसे पहले EOQ बोला है और फिर कहता है कि सप्लायर बोलता है कि 30,000 करके ऑर्डरिंग क्वांटिटी करिए तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, तो बेसिकली अपने को EOQ निकालना है। सबसे पहला मकसद हमारा EOQ का है। So EOQ is basically 2 into A into O by CH, where A is equals to 2000 into 12 into 4, that is 96,000 parts. O, cost of placing an order,
1,000 रुपया पर ऑर्डर, राइट। कैरिंग कॉस्ट 20% एंड इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। तो 20% ऑफ रुपीज 350, दैट इज 70 PUPA। ठीक है, तो इसको बैठा दीजिए फॉर्मूला में। टू इंटू 96,000 इंटू 1,000/70, कैलकुलेटर निकालिए। वन सिक्स फाइव सिक्स पांच, राइट। तो 1656 करके हम हर बार खरीदेंगे। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट स्टेटमेंट showing calculation of total cost at different ordering quantity। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, टोटल कॉस्ट एट सप्लायर ऑफर। पहले जो जो चीज अलग है वो लिख लेते हैं, जैसे ऑर्डरिंग क्वांटिटी 16565। सप्लायर बोलता है नहीं, 30,000 करके खरीदो। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स ए बाय क्यू 96,000/1656, ऑर्डर्स अप्रोक्स कर लिया यहाँ पे 96,000/30,000 फोर ऑर्डर्स। परचेज प्राइस यहाँ पे 350, यहाँ पे 5% डिस्काउंट 32.50।
राइट ठीक है। अभी क्या है, ये सब डाटा हम लोग किया है इस टाइप का स्टेटमेंट। मैंने पहले आपको समझा दिया था कि जो जो अलग अलग होता है उसको पहले लिख लेंगे हम लोग, राइट। नाउ टोटल कॉस्ट में आता क्या क्या है? टोटल कॉस्ट में सबसे पहला आएगा हमारा टोटल परचेज प्राइस, ठीक है। इज दैट फाइन एवरीवन? तो सबसे पहले हमारा ईओक्यू आ गया, है ना। ईओक्यू आने के बाद हम लोग को इवैल्यूएशन करने बोला कि सप्लायर बोलता है 30,000 करके खरीदोगे, दो रोज रोज मत आओ हमारे पास, आते हो 1656 लेके जाते हो, फिर 16, ये क्या होता है? थोड़ा थोड़ा नहीं, एक बार में खरीदो, 5% डिस्काउंट लेके जाओ, राइट। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी अलग अलग है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग अलग आएगा, परचेज प्राइस डिस्काउंट वाला हो गया, तो अकॉर्डिंगली कैरिंग कॉस्ट भी डिस्काउंटेड फिगर पे कैलकुलेट होगा। अच्छा 1656 करके खरीदो चाहे 30,000 करके, पूरा साल में खरीदा तो 96,000 ना, तो 96,000 इंटू 350, यहाँ पे 96,000 इंटू 332.5। आइए ठीक है, तो 96,000 इंटू 350, 3,36,00,000, 3,36,00,000, बी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 58 इंटू 1,000, फोर इंटू 1,000, टोटल कैरिंग कॉस्ट 1656 बाई 2 इंटू 70, और यहाँ पे 30,000 बाई 2 इंटू 66.5, ठीक है। तो 1656 बाई 2 इंटू 70, 57,960, इज दैट फाइन? और इधर आ रहा है 15,000 इंटू 66.5, 9,97,500 प्लस 4, 31, 3,29,21,500, थ्री करोड़ 37,15,960। तो सप्लायर ऑफर तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, परचेजिंग इन 30,000 बल्क क्वांटिटीज, ऑब्सोलेसेंस का रिस्क कैन बी वेरी हाई, तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज विल ऑल्सो बी वेरी हाई। ये एनालिसिस है बेटा, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली ट्रेन किया है, राइट।
आज अपने सप्लायर ऑफर चीप आ रहा है, अपने सप्लायर ऑफर में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने फर्दर ये भी लिखेंगे सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। ठीक, इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है सबको? अगर कन्वर्जन रेशियो नहीं देता तो नॉर्मल यूसेज से अपने एनुअल कंजम्पशन निकालते, कन्वर्जन रेशियो दे दिया है तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस होता है, तो पी यू पी आ गया, फॉर्मूला बैठाया। सप्लायर बोलता है 30,000 करके खरीदो तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ठीक है भैया। तो पहले जो जो चीज़ अलग है वो सब लिख लेते हैं अपने, चार चीज़ अलग होता है, ऑर्डरिंग क्वान्टिटी ए तो दोनों का सेम होगा, अच्छा क्यू अलग अलग है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अकॉर्डिंगली अलग अलग आएगा, परचेज प्राइस अलग अलग है, सी एच अलग अलग है, तो उस हिसाब से मेरा कंपैरिजन के हिसाब से मेरा दोनों का टोटल कॉस्ट आ गया। देयरफॉर सप्लायर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, इज दैट फाइन? आइए नेक्स्ट, यू हैव रीऑर्डर लेवल। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आप डेसिमल में भी रख सकते हैं और यू कैन जस्ट राउंड इट ऑफ ऑल्सो, आपके ऊपर में आपको क्या करना है, आप डेसिमल में भी रख सकते हैं, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो रीऑर्डर लेवल इज व्हाट? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है देख के बताइए जल्दी से, सात सौ दस इंटू पाँच हफ्ता, 3550 यूनिट्स, एकदम फटाफट करेंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आरओएल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, 4786 यूनिट्स। मिनिमम स्टॉक लेवल दैट इज आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इन टू एवरेज लीड टाइम, 3 + 5/2 का एवरेज 4 होता है, आ गया। मेन वो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोगों को, इज दैट फाइन? तो हम लोग जितना भी देख रहा है मटेरियल में डिफरेंट टाइप ऑफ सम हमारे पास्ट आरटीपी में आया हुआ, मतलब डिफरेंट क्या मतलब इस टाइप का सम हम लोग किया है, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Answer to question number 2.
जॉब वर्कर ए बी दोनों एग्जीक्यूट कर सकता है, ए को 32 घंटा लगता है, बी को 30 घंटा लगता है, स्टैंडर्ड टाइम टू फिनिश जॉब इज 40। ओ वाई, फाइन फाइन, वेरी गुड। दो इक्वेशन बनेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, मटेरियल कॉस्ट मिसिंग होगा और आवरली रेट मिसिंग होगा, पूरा रटा हुआ। लेट आवरली रेट पर आवर बी एक्स एंड मटेरियल कॉस्ट बी वाई, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क डन बाय ए, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क डन बाय बी। रिमेंबर मैं तो क्वेश्चन देखूंगा भी नहीं, मैं अभी कर दूंगा, देखो। मटेरियल कॉस्ट वाई वाई, लेबर कॉस्ट, ठीक है, एक हेल्से में होगा एक रोवन में होगा, तो ए है हेल्से में और बी है रोवन में, सो इसका आएगा 32 इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू 40 माइनस 32, दैट इज 8 इंटू एक्स करने से 36x आएगा, इसका 30 इंटू एक्स प्लस 30 बाई 40 इंटू 10 इंटू एक्स, इसका 37.5x आएगा। ओवरहेड कॉस्ट 7.5 पर लेबर आवर, तो 32 घंटा का 7.5 के हिसाब से आता है 240, 30 घंटा का 7.5 के हिसाब से आता है 225, कोई भी काम करे खर्चा 2600 होगा। राइट, खर्चा 2600 होगा। दो टाइप का सम किया था हम लोग, हमारे सम्स बुक में है, राइट। सो इक्वेशन वन इज y प्लस 36x प्लस 240 इज इक्वल्स टू 2600, इक्वेशन टू y प्लस 37.5y प्लस 225 इक्वल्स टू 2600, माइनस 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 कट गया, माइनस 1.5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 10, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, तो y प्लस 36 इंटू 10 प्लस 240 इज इक्वल्स टू 2600 और y इज इक्वल्स टू 2000, हो गया खेल खत्म। तो ये मेरा आवरली रेट आ गया और ये मेरा मटेरियल कॉस्ट आ गया। ठीक है, इज दैट फाइन?
बोलो। तो ये हो गया, अभी अपने को बोला है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 2000, 2000 आ गया। थर्टी सिक्स एक्स 360, 375। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। ओवरहेड कॉस्टिंग का सम है, श्री अजीत लिमिटेड हैविंग 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक मशीन एज अंडर फॉर 20X8, 20X9। ओवरहेड एक्सपेंसेस पूरे फैक्ट्री का रेंट है 1,80,000, टोटल फ्लोर एरिया 1,00,000, हीट एंड गैस 60, सुपरविजन 1,50,000, वेजेस ऑफ द ऑपरेटर है 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मीन्स पर आवर इज 25। सेटअप के टाइम में एक एक अटेंडेंट चाहिए, मशीन के टाइम में दो मशीन कैन रन, ठीक है। खाली इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन बी कॉस्ट ऑफ द मशीन दे दिया तो उससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, स्पेशल इक्विपमेंट का कॉस्ट दे दिया वो आ जाएगा। ऑपरेशन टाइम 3600 मतलब रनिंग टाइम, सेटअप टाइम 400 मतलब टोटल आवर्स हो गया 4000, मतलब सेटअप इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ईच ईच कस्टमर ऑर्डर रिक्वायर्स अ सेटअप, सो इन दैट केस वी यूज टू टायर MHR, वन फॉर सेपरेट वन फॉर रनिंग सेपरेटली। पावर कॉस्ट, मशीन ऑक्यूपाई किया 5000 स्क्वायर फीट, पावर कॉस्ट ₹5 वाइल ओनली इन आवर, वाइल ओनली इन रनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव MHR बोला है, ऑल्सो फाइंड आउट वर्क ऑर्डर वन वर्क ऑर्डर टू का, तो इससे इजी सम जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट भी मत करना। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, कॉमन ओवरहेड कॉस्ट, फिर उससे हमारा कॉमन रेट पर आवर आएगा, दिस रेट विल अप्लाई बोथ फॉर सेटअप एज वेल एज फॉर रनिंग, देन ऐड सेपरेट कॉस्ट, राइट। तो स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ कॉमन ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। तो भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा ना भैया, फैक्ट्री रेंट 1,80,000 है 1,00,000 स्क्वायर फीट का, तो 5,000 स्क्वायर फीट का कितना होगा,
9000 हीट एंड गैस के लिए रेडिएटर सेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो 60,000 डिवाइड बाई 15, सारा मशीन इक्वल कैपेसिटी का मान लो, सुपरविजन मानेंगे सर, सुपरवाइजर लोग इक्वली सारा मशीन को सुपर, ये सब डाटा जो पॉइंट नंबर वन में, ये 15 मशीन का है, तो स्पेसिफिक एलो एपोर्शन करना पड़ेगा, राइट एपोर्शन 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 वेजेस तो बाद में आएगा सेपरेट कॉस्ट में, डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली दिया हुआ, इस मशीन का कॉस्ट 180 है, 10,000 स्क्रैप है, डिवाइडेड बाय 10 साल लाइफ है, 17,000 आएगा, एनुअल एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल इक्विपमेंट, मतलब अभी मैं वो खर्चा लिख रहा हूँ जो दोनों टाइम होगा, सेटअप के टाइम में भी होगा और रनिंग के टाइम में भी होगा, बस। तो ये मेरा आ गया कॉमन ओवरहेड कॉस्ट 13,23,52 कॉमन रेट पर आवर इज इक्वल्स टू टोटल कॉमन कॉस्ट बाई सेटअप आवर प्लस रनिंग आवर, ₹13 एन आर, इज दैट फाइन? ये सब वो खर्चे हैं जो सेटअप में भी लगेंगे, आप मशीन को इंस्टॉल करके छोड़ दो, यूज नहीं करो, फिर भी डेप्रिसिएशन आएगा, स्पेशल इक्विपमेंट ये भी एक टाइप का, सुपरवाइजर दोनों टाइम चाहिएगा, हीट एंड गैस ये सब चाहिए अपने को, राइट? तो अभी अपने निकालेंगे स्टेप टू, टू टायर MHR सेटअप रनिंग आवर, सो कॉमन कॉस्ट 13 यहां भी आएगा, 13 यहां भी आएगा, वेजेस ₹200 देते हैं पर डे ऑफ 8 आवर्स, ₹200 है पर डे ऑफ
8 आवर्स राइट, 200 रुपया है पर डे ऑफ 8 आवर्स, तो डिवाइड तो पर आवर 25, सेटअप में पूरा वर्कर है और रनिंग में एट अ टाइम दो मशीन हैंडल कर सकता, तो आधा वेजेस लेंगे। पावर सेटअप में नहीं लगेगा, रनिंग में 5 रुपया घंटा का, तो MHR CMHR क्योंकि वेजेस ऐड किया हुआ है ना, इसका आएगा 38 और इसमें आ रहा है 30.50। ठीक है, स्टेप 3 वर्क ऑर्डर 1 का कॉस्ट कितना आएगा, 15 है शायद, हाँ 38 रुपया इसका 15 सेटअप आवर है और 100 रनिंग आवर है, ठीक है। अड़तीस इंटू 30 घंटा 30.5 × 190 आवर राइट। सॉरी ये स्टेप 3 होगा ना, पहले हम लोग कॉमन ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे, जो सेटअप में भी वो चीज खर्चा होगा, रनिंग का भी खर्चा होगा। अभी सेटअप में वर्कर पूरा एंगेजमेंट चाहिए उसका, तो 25 रुपया घंटा, ऑपरेशन में दो हैंडल कर सकता है वो, तो 10 रुपया घंटा, आधा 12.5 रुपया घंटा, पावर खाली रनिंग में लगेगा, तो 38 और 30 मतलब 1 घंटा सेटअप का 38 कॉस्ट है, 1 घंटा रनिंग का 30.5 है। तो वर्क ऑर्डर 1 का 38 रुपया करके 15 घंटा सेटअप है, 100 घंटा रनिंग है इसका, 30 घंटा सेटअप है, 190 घंटा रनिंग है। Is that fine? Same to same sum we have done. तो एक चीज सोचो, मैंने आपको जब मैं कैसे पढ़ता था, मैं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व होते थे,
घर जाके उन क्वेश्चंस को देखता था, उससे सिमिलर क्वेश्चंस हम लोगों को होमवर्क में मिलते थे वो करता था, फिर जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता था फिर से पूरा चैप्टर वापस से करता था, फिर एग्जाम टाइम में एक बार करता था, और फिर उसके बाद में मैं आरटीपी में उसी टाइप का क्वेश्चन को वापस करता था। मतलब इस प्रोसेस में अगर कोई कोई चीज बच्चे को नहीं भी समझ में आता है, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस लेवल यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू आर एट अ लर्निंग फेज, तो अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो एक प्रोसेस आपको मालूम पड़ जाएगा कि मतलब एक ऑलमोस्ट एक मगअप टाइप का चीज हो जाएगा आपके साथ, हालांकि करना नहीं है, वेरी हार्मफुल होता है। अब मेरे को पूरा प्रोसेस मालूम है, अगर सेटअप टाइम नेग्लिजिबल है तो एक MHR आएगा, सेटअप टाइम मेन है मतलब हाईली इंपॉर्टेंट है तो सेटअप का अलग इसका अलग, तो पहले कॉमन निकालेंगे जो दोनों में एप्लीकेबल है, फिर अलग अलग खर्चा जोड़ देंगे, फिर जो जॉब ऑर्डर बोलेगा उसका कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 4। पढ़िए आप लोग, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम है, राइट आइए, सो इसका ऐसा सम एक पेपर में आया है, बट उसमें खाली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूछा था हम लोगों को, एब्जॉर्प्शन वाला करने नहीं बोला। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्टली द ईयर, बट इस टाइप का क्वेश्चन वी हैव डन व्हाइल सॉल्विंग द पास्ट ईयर पेपर, तो उसमें अपने को एक्टिविटी वाला पूछा था, एब्जॉर्प्शन वाला नहीं पूछा था। मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि ये जब मैंने सी ए फाइनल दिया था तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों को, राइट right?
तो हमको क्या करना है, फैमिली स्टोर वॉन्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड. फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर 2007-8 फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन. सॉफ्ट ड्रिंक का रेवेन्यू और सी ओ जी एस दे दिया, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ये सब दे दिया है. एक्टिविटी वाइज सारा दे दिया. करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट अदर देन सी ओ जी एस ऑन द बेसिस ऑफ सी ओ जी एस. तो इसका मतलब पहला पार्ट करना है हम लोगों को, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच से. तो इसमें जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है सपोर्ट कॉस्ट, दैट इज टोटल ओवरहेड कॉस्ट बाय टोटल सी ओ जी एस इन 200, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना है अगर आप सिंपली ऐड करेंगे, 60,000 प्लस 7,80,000 करिए, ऐड करिए, साठ हजार प्लस 7,80,000, 60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 8,64,000 प्लस 15,36,000. इज दैट फाइन? होल डिवाइडेड बाय टोटल सीओजीएस 30,00,000, 75,00,000, 45,00,000. दैट कम्स टू रुपीस. तो सपोर्ट कॉस्ट तो मेरा 45,00,000 आ रहा है और ये मेरा 150,00,000 आ रहा है. सो दैट कम्स टू 30% ऑफ सी ओ जी एस. एब्जॉर्प्शन रेट आ गया, मतलब जितना सी ओ जी एस है उसका 30% मेरा एब्जॉर्प्शन रेट है. राइट? So, अपने को बोला है ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं, तो उसी समय अपने ओवरहेड फिर एलोकेट करके दिखा देंगे. क्या क्या नाम है? सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस्ड, पैकेज फूड, सेल्स 39,67,500, 1,05,03,000. लेस सीओजीएस 30,00,000. ग्रॉस प्रॉफिट 9,67,500. ठीक है,
30 लाख, 3,000, 15 लाख, 49,500 लेस ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज 30% ऑफ सीओजीएस, राइट? थर्टी परसेंट ऑफ सीओजीएस, तो 9 लाख आएगा, 22.5 लाख आएगा, 67,500, 753, 199,500। अभी ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज भी बोला है क्वेश्चन में, तो दैट इज ऑपरेटिंग इनकम बाय सेल्स इनटू 100। करो 67,500 डिवाइड बाय 39 लाख, 67,500 कितना आ रहा है? 1.70%, ठीक है? कितना? 7.17%, ठीक है? कितना आ रहा है? 3.30%। इज इट फाइन? पार्ट टू के लिए हम लोग रेफर पास्ट ईयर वीडियोस, ठीक है? मैंने कराया ये चीज, अननेसेसरीली वी वोंट डू दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, राइट? या कोई पास्ट ईयर पहले जो हमने आरटीपी किया उसमें होगा, कहीं ना कहीं होगा, उसमें कुछ नहीं करते। बॉटल वाला तो सीधा डायरेक्ट टू सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगा, बाकी सबका कॉस्ट ड्राइवर निकाल के देन अलग अलग ओवरहेड ऑपरेटिंग इनकम उस तरीके से, राइट? वी हैव डन इट, वी वोंट डू इट अगेन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का किसी एक पास्ट ईयर पेपर में आ चुका है। तो मैंने आपको ये जो चीज़ स्टार्टिंग में जो बताया ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज़ नवंबर 18 का आरटीपी जुलाई 18 में, तो इसके बाद जो जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो इसके बाद एग्ज़ाम्स कौन कौन हुए हैं? नवंबर 18 वाले हुए हैं, मई 18 वाले हुए हैं, नवंबर 18, 19, मई 19, नवंबर 19, तो ये सब क्वेश्चंस या तो इसमें या इसमें या इसमें, राइट? तो उसमें कवर्ड है, तो क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो कवर्ड।
रॉ मटेरियल परचेस साथ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो कंज्यूम्ड आ जाएगा, वेजेस पेड दिया हुआ है दोनों को ऐड करेंगे हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड सारा ऐड कर लेंगे, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम इन्वेंट्री का है, प्लांट एंड मशीनरी का है, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो वाला, तो हमारा आ जाएगा ओपनिंग डब्ल्यू आई पी प्लस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी माइनस, तो वी विल गेट आवर वर्क्स कॉस्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऊपर आ चुका रिलेटेड टू प्रोडक्शन था बोल के, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस हो जाएगा, राइट, सेम सम वी हैव डन, उतना तक करना ही नहीं है अपने को। अभी अपने करेंगे नंबर सिक्स, सो क्वेश्चन फाइव ऑल्सो सेम, वी हैव ऑलरेडी डन इट, नाउ वी विल गो फॉर आंसर टू। इस टाइप का सम्स हमारे बुक में है, क्वेश्चन नंबर 13 या 17, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। इसमें पहले फाइनेंशियल पीएल बना के फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट निकालना, फिर कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट निकालना, फिर दोनों का रिकंसिलिएशन बनाना है। राइट, फाइनेंशियल बुक्स का डाटा दिया हुआ है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स नीचे दिया है, तो पहले फाइनेंशियल से अपने बना लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में भी बोला है पहले फाइनेंशियल प्रॉफिट बनाओ, तो अपने को पहले फाइनेंशियल पीएल बनाना है फटाफट, टी फॉर्मेट में, सारा एक्सपेंस डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में, खत्म खेला लाइन से। टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हो चाहे डब्ल्यू आई पी हो, 53,125,46 रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड 8,40,000 डायरेक्ट लेबर 6,10,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड 4,22,000 टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 198। ये सब प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स है, टू डिविडेंड पेड 122, टू बैड डेब्ट्स 18,000, कोई ट्रेडिंग पेल का कॉन्सेप्ट नहीं है अपने को, कॉस्ट वाला चीज कर रहे हैं अपने, टू सेलिंग ओवरहेड 72 by interest received by, ये सब प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, 38,000 46,000 by sales 22,80,000 राइट।
कहाँ गए तुम? Is that fine? 69, 725 है। अभी अपने को कॉस्ट शीट बना लेना है, इसी का सेकंड पार्ट कॉस्ट शीट। सेल्स कितना यूनिट बोला है? 12,615 यूनिट। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना है? 625 प्लस एक्स 12,615 प्लस 415। तो सॉल्व करने से हमारा 12,615 प्लस 415 माइनस 625 राइट। Is that fine? Raw material and direct labor, ये तो accounts में जो है वही लेना पड़ेगा। 840,610 तो आ गया सीधा प्राइम कॉस्ट 14,50,000 प्लस फैक्ट्री ओवर रेट का एब्जॉर्प्शन रेट क्या है एज पर कॉस्टिंग? क्या बोला देखो 70% ऑफ 6,10,000 तो 6,10,000 का 70% 427 प्लस 0.5 माइनस क्लोजिंग WIP। नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP अकाउंट्स वाला मदद कॉस्ट से ही लेता है। तो सीधा मेरा वर्क्स कॉस्ट आएगा 1,881,800 प्लस
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बोला है? फिफ्टीन परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सो फिफ्टीन परसेंट ऑफ 18 81 800, into 0.15, 282 270, तो मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू 164 070, ओपनिंग फिनिश गुड्स का कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है? 625। तो 625 का 120 करके, 625 इंटू 120 75 माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स 415 है, तो अपने मान लेते हैं कि हमारा फीफो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, तो 2164070 अगर 12405 का है तो 415 इसमें से बचा हुआ है। ठीक है, 2164070 डिवाइडेड बाई 12405 इंटू 415, तो 72397, तो ये मेरा आएगा COGS 2164070 प्लस 75 माइनस 72397, 2166673 प्लस सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड के लिए क्या बोला है? 3 रुपया, तो 12615, 3 × 12615 37845 तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी आ रहा है प्लस 2166673, 2204518 प्लस प्रॉफिट, तो मेरा आ जाएगा सेल्स 22,80,000, अकाउंट्स वाला ही लेंगे जो भी आ रहा है, माइनस 22,00,000 75482, ठीक है, 75482 ये मेरा कॉस्ट वाला प्रॉफिट आ गया, अपने फीफो एज्यूम किया, नोट में लिख देंगे,
ठीक है। नाउ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग 75,482। मटेरियल सेम है, लेबर सेम है, ठीक है। कॉस्ट से अकाउंट्स में जाएंगे 427,422। ओवर रिकवरी इनकम ऐड होगा प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड। कॉस्ट में 427 है, इसमें एक्चुअल इज 422, तो 5,000 का ओवर रिकवरी है। डन। WIP दोनों में सेम है। एडमिनिस्ट्रेटिव 282,270,190 अगेन ओवर रिकवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड 282,270 माइनस 1,98,000। कितना आ रहा है? 84,270 ये हो गया। ओपनिंग फिनिश गुड 75,53,125 ओवर वैल्यूएशन है। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 75 माइनस 53,125 तो 21,875 क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो ओवर वैल्यूड 72,397 माइनस इसमें है 45,650 26,747। सो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, फाइन। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट कम होता है, तो लेस में आएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 72,397 माइनस 46,45,650 राइट। समझ में आ रहा आप सभी को? चलिए तो 26,747 ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेलिंग ओवरहेड 37,845 और एक्चुअल है 72 अंडर एब्जॉर्ब्ड, लॉस होगा। सेलिंग ओवरहेड
37845 माइनस 72 34155 राइट। अभी ये सब तो हो गया, प्रॉफिट वगैरह सब हो गया। कुछ कुछ ऐसा आइटम है जो कॉस्ट में नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, सो प्लस में आएगा इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड 38 एंड 46, फिर आएगा एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। एक्सपेंस तो लेस होता है, डिविडेंड पेड, एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड वन क्या है बोलो, बैड डेब्ट। सो 122 18,000, तो लास्ट में मेरा आना चाहिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल पीएल। करके बताइए, 75482 प्लस 5,000 प्लस 84270 प्लस 21875 प्लस 38 प्लस 46 माइनस 26747 माइनस 34155 69725 आ गया। कोई बच्चा लोग इसमें अज्यूम कर सकता है कि हम वेटेड एवरेज लिए हैं, तो उसका प्रॉफिट अलग अलग आएगा, बट रिकंसिलिएशन विल मैच। ये मैच कर जाने से मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा। राइट, सो तीन स्टेप है इसका। सबसे पहला फाइनेंशियल पीएल बनाया, फिर हमारा कॉस्ट वाला प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट शीट बना के नॉर्मल, फिर कॉस्ट से चेक किया तो ये सब रिकंसिलिएशन आइटम्स निकला। इज दैट फाइन? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेम समय हमारे बुक में ये वाला जो हमने अभी किया। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7,
ये इस आरटीपी का 7 है, शायद हमारे बुक का भी ये 7वां नंबर ही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का समय। एग्जैक्टली फिगर मैच करता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट 108 लाख, बजटेड प्रॉफिट है 18 लाख का। रिलीवेंट डाटा दे दिया, मटेरियल इश्यू टू साइट, डायरेक्ट वेजेस, प्लांट हायर, साइट ऑफिस, मटेरियल रिटर्न, डायरेक्ट वेजेस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, प्रोग्रेस पेमेंट, स्पेशल प्लांट 8 लाख का खरीदा था जिसका वैल्यू है 5 लाख, डेप्रिसिएशन दे देंगे, इतना रुपए का मेटल बचा हुआ है, क्लोजिंग वेजेस एक्रूड दिया हुआ है। सिंपल, सो वी हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड, टू मटेरियल्स इश्यूड 5,000, टू वेजेस 3,800 है, एड आउटस्टैंडिंग नीचे दिया है 1,10,000, 1,10,000 को 110 लिखेंगे। प्लांट भाड़े में लिया है, हिसाब किताब रखने के लिए साइट का एक ऑफिस कॉस्ट है, मटेरियल रिटर्न हो गया है 100 का, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 500, इसी पार्ट में दिखा दो, बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव तो आता नहीं है। स्पेशल प्लांट वॉज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट 8 लाख का, जिसका एंड ऑफ द ईयर में वैल्यू है 5 लाख, तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पेशल प्लांट 300, ठीक है, बाई मटेरियल्स एट साइट 18 लाख, तो 3,0 काट के 1,800 लिखेंगे, गेम ओवर, टू नोशनल प्रॉफिट, दैट्स इट। कुछ करना ही नहीं, और हंड्रेड, 1,800, 10,230 माइनस 5,000, 3,910, 700, 270, 500, 300, ऐसा लग रहा है सम पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसमें आजकल उस टाइप का सामान लग गया जिसमें वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस में कुछ है नहीं ना, कुछ करने को नहीं। अगर थर्ड पार्ट करना रहता पहले जैसे किया करते थे तो इन दैट केस थोड़ा वेटेज होता था सब में, बट
इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं, नोशनल प्रॉफिट तक निकाल के छोड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। जॉब कॉस्ट शीट का सम है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट चाहिए 30% ऑन सेल, मतलब 30/70 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दे दिया, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया, फिक्स्ड ओवरहेड का पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। नोट वन, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना बोला है? बजटेड ओवरहेड 1 लाख बाई बजटेड लेबर आवर है 10, सो दैट कम्स टू 10 रुपीज एन आवर। बाकी सबका दे दिया रेट, ठीक है। सो अभी हम लोग को बनाना है जॉब कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, अदर कॉस्ट। राइट, दस रुपया करके 10 kg, पांच रुपया करके 20 घंटा, ठीक है। सबका दिया हुआ है, इसका एवरेज 10 रुपया आया है, तो 20 घंटे का 2 होगा 200, अदर कॉस्ट 50, तो आ गया 490। तो 490 इंटू 30/70 210, सेलिंग प्राइस 700। कुछ होगा तो दिमाग लगाएंगे ना, कुछ है ही नहीं तो दिमाग लगाने का बात ही नहीं है।
बहुत सम्स किए हम लोग ऐसा।